हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज स्टोरी लाइन, और आज हम इस स्टोरी लाइन का थर्ड इशू देखेंगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा छुपा के रखा था, जिसके कारण प्रेजेंट टाइम में अब एक और डॉक्टर स्ट्रेंज आ चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज को किसने मारा यह पता करने। लेकिन तभी वहां पर क्लिया आ जाती है और कहती है कि थ्री मदर्स आ रहे हैं। थ्री मदर्स के आते ही वहां पर एवेंजर्स भी आ जाते हैं, लेकिन वे लोग उन थ्री मदर्स के सामने टिक नहीं पाते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो आज का एपिसोड भी थ्री चैप्टर्स में है, और अब शुरू होता है पहला चैप्टर। शुरुआत में हमें एवेंजर्स टावर दिखाई देता है, जो कि एक सेलेस्टियल बॉडी के अंदर बनाया हुआ है, और उसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज प्रेजेंट टाइम के डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी की ऑटोप्सी कर रहा था, और उसकी मदद के लिए वहां पर जेन फॉस्टर भी आ चुकी थी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि वो अपने हाथों से ये ऑटोप्सी नहीं कर सकता है, और इसीलिए जेन फॉस्टर की उसे मदद लगेगी। यहाँ दूसरी तरफ क्लिया एवेंजर्स से कहती है कि थ्री मदर्स किसी अलग डायमेंशन से है, जो सारे डायमेंशन में घूमते हैं और उन जगहों को मिटा देते हैं। आज तक ऐसा कोई राजा या कोई वॉरलॉर्ड नहीं है जो उनके सामने टिक पाया है। वे सारी चीजों को अपने बच्चों का भोजन बना देते हैं। तभी थॉर पूछता है कि ये बच्चा कौन है। तभी क्लिया बताती है कि वो बच्चा मैजिक का भूखा है, और वो एक एपेक्स प्रेडेटर है मैजिक का। वो हर एक चीज को खाना चाहता है जो मैजिक से जुड़ा हुआ है, जैसे कि वॉरलॉर्ड या फिर मैं। हालांकि उसकी शुरुआत किसी को पता नहीं है, पर कुछ लोगों का ये दावा है कि वो क्रीचर नहीं है। उसकी माँ उसकी गार्ड की तरह है, जो हर एक पावरफुल मैजिक को ढूंढती है और उससे अपने बच्चे का पेट भरती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और जेन फॉस्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें ऑटोप्सी से कुछ पता चला है, और वो कहते हैं कि किसी ने पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल किया था डॉक्टर स्ट्रेंज को उस रात मारने के लिए। लेकिन वहाँ सिर्फ हत्या नहीं हुई थी, बल्कि चोरी भी हुई थी, और वो चोरी डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा की थी, और उसी के साथ उसके पावर्स की भी, जो उसे सॉसरर सुप्रीम बनाते हैं। और इसी के कारण अब नया सॉसरर सुप्रीम नहीं बन सकता है, और अब कवच टूटने के कारण बहुत से मैजिक अर्थ पर आ चुकी है, और इसी के कारण वो बच्चा उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। यानी कि कयामत आनी पक्की है। जिस पर क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है, पर वॉर्डलॉर्ड यहाँ क्यों आए हैं, ये तो उनके दुश्मनों की जगह है। जिस पर वॉन्ग कहता है, हाँ ये सही जगह है उन्हें छुपने के लिए, क्योंकि वे लोग किसी की परवाह नहीं करते, और वे चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम बन जाए, क्योंकि अर्थ हमेशा से इन परेशानियों से जूझता आया हुआ है। अर्थ पर अब तक कई सारे खतरे आ चुके हैं, लेकिन अर्थ ने उनका सामना अच्छी तरह से किया है, और इसी के कारण वॉरलॉर्ड ये चाहते हैं कि हम एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटेस्टिक फोर उन्हें बचा ले। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल पूछती है कि कोई तो तरीका होगा उन्हें रोकने का। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि उन्हें रोकने के लिए हमें सॉर्सरर सुप्रीम की मदद लगेगी, और ये कहते ही वो वॉन्ग और क्लिया वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी जाने से पहले कैप्टन अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि वो अब क्या करेगा। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि वो सबसे पहले जाके सॉर्सरर सुप्रीम का ऑफिस ठीक करेगा, क्योंकि अब उसे पता है कि उसे क्यों मारा है, लेकिन सवाल ये है कि किसने और कैसे। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है, और यहीं पर चैप्टर वन खत्म हो जाता है, और अब शुरू होता है चैप्टर टू। सैंटम सेंटरम में क्लिया एक एंटिटी को बनाती है और उसे कहती है कि वो जाके पूरे अर्थ पर आई ऑफ एगमोटो और क्लॉक ऑफ लेविटेशन को ढूंढे, और ये कहते ही वो एंटिटी ढूंढने निकलती है। फिर थोड़ी देर बाद वो एंटिटी वापस आती है और बताती है कि वो दोनों चीज़ें कासल मोल्डो में है, और यहीं पर चैप्टर टू खत्म हो जाता है, और अब शुरू होता है चैप्टर थ्री। सबसे पहले हमें माउंटेन ऑफ ट्रांसिल्वेनिया दिखाई देता है, जो मोर्डो का घर है, और उसी के साथ हमें कोलोमेस सिटी का डायगोट दिखाई देता है, और तब दोनों जगह पर हमला हो जाता है। मोर्डो के यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है, तो वही कोलोमेस में थ्री मदर्स आ जाते हैं। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो के सोल्जर्स को मारते हुए कहता है, तुम्हारी ये ट्रिक्स काम नहीं आएगी। तो वही कोलोमेस में थ्री मदर्स तबाही फैला रहे थे। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि तुमने वॉरलॉर्ड से ताकत ली मुझे मारने के लिए, कितने डरपोक हो तुम। यहाँ पर थ्री मदर्स डैगोट को पकड़ लेते हैं और उसे ले जाते हैं। तो वही डॉक्टर स्ट्रेंज को काइसिलेस दिखाई देता है, जो छुप कर बैठा था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज काइसिलेस को पकड़ लेता है और पूछता है कि उसका मालिक कहाँ पर है।
तो वही दूसरी तरफ डैगोथ सारे वॉरलॉर्ड्स को बुलाने लगता है। यहाँ कैसिलस बताता है कि मोर्डो वहाँ पर है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उस दरवाजे की ओर बढ़ता है जहाँ पर मोर्डो छुपा हुआ था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि मोर्डो ने उसे मारा होगा और आज उसे यकीन हो गया है। यहाँ त्रिमदस डैगोथ को अपने साथ ले जाते हैं। तभी हमें उन त्रिमदस का बच्चा दिखाई देता है जो बड़ा ही घिनौना सा था, और तब वो मदस कहती है कि उन लोगों ने उनके बच्चों के लिए खाना लाया है। यहाँ मोर्डो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और काफ़ी डरा हुआ था और कहता है कि वो एक गलती थी जिसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।